आज हम जानेंगे 27 28 फरवरी का मौसम अपडेट। बिहार में मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। बदलते मौसम के बीच में कभी बारिश तो कभी धूप के बीच सर्दी का सितम अब कम होने लगा है, लेकिन अचानक से हुई बारिश की वजह से एक बार फिर से ठंड अपना असर दिखा सकती है। मौसम विभाग की तरफ से जारी पूर्वानुमान की माने तो मौसम अभी शुष्क बना रहेगा। हालांकि पिछले कुछ दिनों से रात के तापमान में हल्की गिरावट देखी गई है, जिससे लोगों को सुबह और रात में हल्की ठंड का एहसास हो रहा है। हालांकि प्रदेश के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान और न्यूनतम तापमान में बदलाव देखने को मिला है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार मौसम शुष्क बने रहने की बात कही गई है। विभाग की तरफ से जारी अपडेट के अनुसार यह भी बताया गया है कि प्रदेश भर में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हवा का प्रभाव जारी है, जिसके कारण प्रदेश में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की तरफ से जारी अपडेट की माने तो 27 फरवरी को दक्षिणी पूर्वी भागों में अलग अलग स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इसके साथ ही साथ यह भी कहा गया है कि मेघ गर्जन के साथ बिजली चमकने की संभावना पूरी है। इसके अलावा बाकी के हिस्सों में मौसम शुष्क बना रहेगा। तो आइए अब जान लेते हैं 27 और 28 फरवरी के तापमान का पूर्वानुमान। उत्तर पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में पश्चिम चंपारण, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज में 27 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, तो वहीं पे न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 28 फरवरी का अधिकतम तापमान भी 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम उत्तर मध्य बिहार की बात करें तो इसके तहत आने वाले जिलों में सीतामढ़ी, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर में 27 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। 28 फरवरी के अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। उत्तर पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में सुपौल, अररिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया, कटिहार का 27 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि 28 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पश्चिम बिहार के तहत आने वाले जिलों में बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद, अरवल का 27 फरवरी का अधिकतम तापमान 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 28 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण मध्य बिहार के तहत आने वाले जिलों में पटना, गया, नालंदा, शेखपुरा, नवादा, बेगूसराय, लखीसराय, जहानाबाद का 27 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं 28 फरवरी का अधिकतम तापमान जो है 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। दक्षिण पूर्व बिहार के तहत आने वाले जिलों में भागलपुर, बांका, जमुई, मुंगेर, खगड़िया का 27 फरवरी का अधिकतम तापमान 28 से 30 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। वहीं अगर हम 28 फरवरी का अधिकतम तापमान को देख लें तो 30 से 32 डिग्री तक रहने की बात कही गई है, जबकि इन्हीं जिलों का न्यूनतम तापमान जो है 14 से 16 डिग्री तक रहने की बात कही गई है। ये थे बिहार में मौसम से जुड़ी जानकारी। बिहार और बिहार से जुड़ी और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहें बिहारी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।